हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी बैश में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हिंदी डब्ड हॉलीवुड मूवीज जो अवेलेबल हैं फ्री में यूट्यूब पर। दोस्तों पार्ट 1-2 के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखें जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो की और बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 पे है कैस्पर जो कि आई थी 95 में, कॉमेडी फैमिली और फैंटेसी जॉनर की। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग दी गई 6.1। दोस्तों इस मूवी में एक आफ्टर लाइफ थेरेपिस्ट और उसकी बेटी एक फ्रेंडली यंग घोस्ट से मिलते हैं जब वो एक मैंसन में मूव होते हैं। दोस्तों आगे की स्टोरी के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नंबर 9 की बात करते हैं फ्रेंड्स। नंबर 9 पे आई थी द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट सिटी ऑफ बोन्स जो कि आई थी 2013 में, एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी जॉनर की। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग है 5.9। दोस्तों इस मूवी में एक न्यूयॉर्क की टीनेजर को उसके खुद के बारे में एक सीक्रेट का पता चलता है जो उसको एक एडवेंचरस जर्नी की ओर ले जाता है। नंबर 8 पे दोस्तों डेथ ट्रांस जो कि आई थी 2005 में, एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी जॉनर की। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग है 5.8। दोस्तों इसमें गॉड वर्सेस एविल में एविल बस यही चाहते हैं कि अननोन प्लेस पे बिना किसी रीजन के तबाही करना। कहानी में एक्साइटमेंट तब आती है दोस्तों जब अनलाइकली हीरो की एंट्री होती है, उसके पास अल्ट्रा काइनेटिक पावर्स होते हैं। नंबर 7 की बात करें फ्रेंड्स, अब नंबर 7 पे है इलेक्ट्रा जो कि आई थी 2005 में, एक्शन एडवेंचर और क्राइम जॉनर की है दोस्तों ये। और इस मूवी में एक वॉरियर नियर डेथ एक्सपीरियंस को सरवाइव करके एक असैसिन बन जाती है और एक सिंगल फादर और उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करती है सुपरनैचुरल असैसिंस के ग्रुप से। नंबर 6 के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो नंबर 6 पे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जो कि आई थी 2004 में, एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी जॉनर के। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग 5.9। बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, तो एक शर्त जीतने के लिए एक सन की ब्रिटिश इन्वेंटर अपने चाइनीज वाइफ और एक एस्पायरिंग फ्रेंच आर्टिस्ट के साथ मिलकर 80 दिनों के लिए एडवेंचरस और डेंजरस ट्रिप के लिए निकल जाता है। आगे बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे क्रैंक हाई वोल्टेज जो कि आई थी 2009 में, एक्शन क्राइम और थ्रिलर है दोस्तों। इसमें आईएमडीबी रेटिंग है 6.2। दोस्तों इस मूवी में एक आदमी का हार्ट रिप्लेस करके आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया जाता है और वो अपने रियल हार्ट ढूंढता है आर्टिफिशियल हार्ट की बैटरी खत्म होने से पहले। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे जोरियक जो कि आई थी 2007 में, क्राइम ड्रामा और मिस्ट्री। इसमें आईएमडीबी रेटिंग है 7.7। दोस्तों इसमें एक कार्टूनिस्ट जो कि ऑब्सेस्ड हो जाता है एक किलर से और अपने स्किल्स यूज करता है उस किलर की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। नंबर 3 की बात करें फ्रेंड्स, तो नंबर 3 पे द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी जो कि आई थी 2013 में, कॉमेडी ड्रामा और फैंटेसी। इसमें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग है 7.3। दोस्तों इसमें एक आदमी जब अपनी जॉब लूज करने वाला होता है तो वो इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए निकल पड़ता है एक ऐसे एडवेंचर पर जो उसने कभी नहीं सोचा हो। नंबर 2 की अब बात करते हैं दोस्तों। नंबर 2 पे है दी नन जो कि आई थी 2018 में, हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर जॉनर की। दोस्तों इस मूवी में एक यंग नन की रोमानिया में डेथ के बाद एक प्रिस्ट और एक सिख्या इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जहां उनको खतरनाक नन का सामना करना पड़ता है। और आखिर में दोस्तों नंबर 1 की बात करें, दोस्तों नंबर 1 पे है दी पियानिस्ट जो कि आई थी 2002 में, बायोग्राफी ड्रामा और म्यूजिक है। दोस्तों इसमें आईएमडीबी रेटिंग है 8.5। और कहानी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक ट्रू स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 2 की। इसमें एक आदमी बहुत स्ट्रगल फेस करता है जब उसका अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है और फिर उसको छुपाना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आगे के और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।